Firstly, I'm very thankful to CM sir, दामी सर ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट. जब से बचपन में एक चीज सोचता था कि यार अपनी स्टेट के लिए कुछ कर सकता हूँ क्या, कंट्री के लिए जरूर खेलना था बट स्टेट के लिए कुछ करने का कभी मौका नहीं मिला. तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे को सर ने दी, तो थैंक यू सर फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू मी. बट मेरे को लगता है कि उत्तराखंड में टैलेंट बहुत है, धीरे धीरे बहुत निखार आ रहा है, सिर्फ क्रिकेट में नहीं बाकी सारे स्पोर्ट्स भी. अभी कॉमनवेल्थ गेम में इतने सारे मेडल्स हमारे आए, सिर्फ स्पोर्ट्स की दुनिया में क्रिकेट ही नहीं बाकी सारे स्पोर्ट्स को भी वैल्यू मिलनी चाहिए, ये मेरा बिलीव है. और धीरे धीरे सर की हेल्प लेके हम लोग उत्तराखंड में सारे स्पोर्ट्स सारे यूथ को इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे कि वो स्पोर्ट्स को लें और अपने स्टेट को प्राउड फील कराएं. तो मेरे लिए से बड़ी कोई बात नहीं हुई आने वाले सालों में कि अपनी स्टेट के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, अपने यूथ के लिए कुछ कर पाऊँ. सो थैंक यू सो मच. धन्यवाद. मैं सबसे पहले तो ऋषभ जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बहुत सामान्य स्थितियों में और सामान्य परिस्थितियों में अपने जीवन को प्रारंभ किया. और आज के समय में जिनके जीवन में कठिनाइयां हैं, अभाव हैं, जरूरतें जिनकी पूरी नहीं हो पाती हैं, ऐसे लोग जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं, उनके लिए एक ये रोल मॉडल हैं. और इन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है कि स्थितियां चाहे कुछ भी हों, अगर संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है, आगे बढ़ने की अगर इच्छा शक्ति दृढ़ है तो कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है. तो इन्होंने आज पूरी दुनिया के अंदर एक मुकाम बनाया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है. हमारे उत्तराखंड देवभूमि के लाल हैं और इनको हमारी सरकार ने तय किया है कि हम इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर रहे हैं. और उसके पीछे हमारा हेतु है कि जहां इन्होंने देश दुनिया के अंदर भारत का और हमारे देवभूमि का नाम ऊँचा किया है, साथ ही साथ जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारे नौनिहाल हैं, हमारे नए बच्चे हैं, नए आने वाली पीढ़ी है, वो सब इनसे प्रेरणा लेकर कहीं ना कहीं जब 18 साल के थे, जब इन्होंने अक्टूबर सन 2015 में दिल्ली में रणजी ट्रॉफी में अपनी करियर की शुरुआत की और दूसरी पारी में अर्धशतक बनाया, 2016 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत का नेतृत्व करने के लिए ये नामित किए गए, ऋषभ पंत बांग्लादेश में सन 2016 अंडर 19 विश्व कप में 267 रन बनाकर भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति भी ये बने हैं. रणजी ट्रॉफी के 2016-17 के सत्र में महाराष्ट्र के खिलाफ एक मैच में श्री पंत ने 308 रन बनाए हैं. भारतीय टीम में श्री पंत एकमात्र ऐसे भारतीय विकेट कीपर बन गए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में शतक लगाया है. अपने छक्कों के लिए भी ये मशहूर हैं. सभी जानते हैं कि अपने टेस्ट डेब्यू की पहली बॉल पर छक्का मारने वाले पहले भारतीय बने हैं. इसके लिए भी मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं. पंत ने साल 2021 में गावा टेस्ट से देश को गौरवान्वित किया है. 32 साल से गावा में अजय रहने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया. कभी सामान्य स्थितियों में जो मैंने अपनी बात शुरू की थी, गुरुद्वारे में रहकर क्रिकेट प्रैक्टिस करने वाले ऋषभ ने अपने संघर्ष के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर आज एक मजबूत मुकाम हासिल किया है. और मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले समय में वो सभी नौजवानों के लिए क्रिकेट के क्षेत्र में हो या खेल के अन्य क्षेत्रों में हो, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का है कि हर क्षेत्र में आज भारत आगे होना चाहिए. भारत जहां हर क्षेत्र में आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है, ऐसे में खेलों के क्षेत्र में ऋषभ जैसे हमारे नौजवान सभी को प्रेरणा देकर सबको आगे आने के लिए प्रेरित करेंगे. एक अच्छा क्रिकेट का अच्छा माहौल बनेगा, पूरे हमारे प्रदेश के अंदर भी बनेगा, देश के अंदर तो बन ही रहा है, सभी के लिए वो प्रेरणा बनकर काम करें. मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं.